बच्चों एफ ऑफ एक्स दिया है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस फोर, जी ऑफ एक्स दिया है एक्स माइनस फोर और पूछा था एफ जी ऑफ एक्स। सो वाइल्ड हेयर क्या करना है हमने, एफ क्या है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस फोर, एफ जी ऑफ एक्स चाहिए तो यहाँ इसकी जगह एक्स माइनस टू पुट कर दीजिए। और अगर उल्टा हो यानी जी एफ ऑफ एक्स तो कोई मुश्किल बात नहीं है, जी एक्स है यहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस फोर। तो डियर ये हमारे पास इस तरह निकला है, एफ जी ऑफ एक्स निकालना है तो भी निकलाएगा, क्या करेंगे एक्स की जगह एक्स माइनस फोर पुट कर देंगे और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स चाहिए तो एक्स की जगह हम ये एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस फोर पुट कर देंगे। अच्छा ज़रा रिजल्ट देखते हैं, ऊपर वाले का आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर प्लस थ्री एक्स माइनस फोर, यानी ये कटा कुछ एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस सिक्स। अच्छा जी चलिए मैं इसको साइड पे लिख लेता हूँ। और इस वाले में क्या होगा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस एट, ठीक है जी एक्स माइनस फोर जी की, एक मिनट एक मिनट, हाँ एक्स माइनस फोर है तो यहाँ फोर पुट कर दीजिए, ठीक है ये अच्छे टाइम पे बता दिया आपने। तो ये आपका माइनस एट एक्स, ठीक है प्लस फोर का स्क्वायर ऑफ कोर्स सिक्सटीन, यहाँ थ्री एक्स थ्री फोर जा माइनस ट्वेल्व। सो जी ये माइनस ट्वेल्व माइनस फोर माइनस सिक्सटीन प्लस सिक्सटीन से कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर और माइनस फाइव एक्स यहाँ से बचेगा, ठीक है जी और यहाँ से बच रहा है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस फोर और माइनस फोर। अच्छा अब बस अगर सुन लो एक बड़ी टेक्निकल बात, एनईडी में सवाल आता है तो बस यहीं तक आता है, नस में प्याज में ओला में साखन में क्या आ जाएगा, वही कह देंगे इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, बढ़ा देंगे इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो क्या करें इन दोनों रिजल्ट को एक दूसरे के इक्वल पुट कर दें और एक्स की वैल्यू निकालें, कौन सा मुश्किल है, साफ दिख रहा है एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है एट एक्स इक्वल टू एट एक्स की वैल्यू बन आती है।